हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग कैसे हो आप लोग आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड तो वेदांत गया है चला गया कैलिफोर्निया और वीर गया है स्कूल और मेरा एज यूजुअल चल रहा है क्लीनिंग का काम सब कुछ मैश कर दिया था यहाँ वहाँ ढूंढो सब रखो और फिर ऐसे ही फेंक दो तो फिर मैं मुझे लगा एक घंटा पूरा यह क्लीन करने में अभी वैक्यूम क्लीन करना बाकी है वो कर देंगे हस्बैंड और मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा बैकयार्ड में काम था वो भी फ़िनिश किया सुबह सुबह काम होता है थोड़ा सा पानी देना है पॉट्स में जो होते हैं ना प्लांट्स उसको तो अभी मैं एक अच्छी सी चटनी बनाऊंगी तो ये मेरे लास्ट ईयर जो ग्रीन चिलीज़ किए थे ना बैकयार्ड में उसके जो मैच्योर चिलीज़ हो गए थे ना वही है इतने बचे हैं अभी तक मेरे पास तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो मुझे है ना श्रीराचा सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है पर जब से बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है ना तब से डॉक्टर ने कम्प्लीटली मना किया है बाहर से ले आया हुआ कोई भी सॉस खाना तो मैं इतना मिस कर रही थी ना सिराचा मैंने सोचा कुछ ऐसा बना लो जो श्रीराचा का फ्लेवर का हो तो उसी को बना रही हूँ यहाँ पर तो यहाँ पे अराउंड एक कप जितना लिया है रेड चिली उसको गर्म पानी में सोख करके फाइव टू सेवन मिनट्स रख दूँगी और आज सोचा है मैंने सैंडविच बनाऊँगी पर देखते हैं आज सैंडविच बनती है या नहीं पर ये चटनी है ना अराउंड एक वीक तर, तक तो अच्छे से फ्रिज में स्टोर होकर रहेगी और इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हो और मुझे स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में मेरे सिवा कोई भी स्पाइसी नहीं खाता है तो मुझे ऐसी एक चटनी या सॉस चाहिए जिसको मैं खा सकूँ रेगुलर फूड के साथ तो उसमें भी मुझे बहुत यूज़फुल रहेगी ये और घर में बाकी का भी काम ऐसे ही पड़ा रहता है बच्चा लोग स्कूल जाए ना उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर का काम होना वो ख़त्म करो तो फिर किचन वैसे ही मैस पड़ा रहता है सबको सुबह जाने की जल्दी होती है ना तो फिर जो चीज़ ली उसे बैक टू अपनी जगह पे कोई भी नहीं रखता यूज़ किया यूज़ करके जहाँ भी खड़े होना वहाँ पे ही रख दो बस तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी झाड़ू और ये सब करना वो भी बाकी है तो वो भी कर लूँगी पर पहले जो चटनी बनानी है ना उसकी प्रिपरेशन कर लूँगी तो ये सब करने से पहले किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है वही क्लीन कर लूँगी सब बॉटल्स और रात की बॉटल्स और ये सब चीज़ें भी क्लीन करना है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा यूनो बोल सकते हैं ना रेगुलर काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना और मैं यहाँ पे सैसमी सीड्स को सोक करना भूल गई थी तो अराउंड टू टेबल स्पून जितना सेसमी सीड्स एकदम हॉट वाटर में सोक कर लूँगी दो तीन मिनट के लिए जब तक ये गार्लिक में रेडी ना कर लूँ गार्लिक को भी फ्रेश गार्लिक यूज़ करूँगी इसको अराउंड फोर्टीन टू तो फिफ्टीन यूज़ करूँगी रोस्ट कर लूँगी अराउंड एक टेबल स्पून जितना ऑयल डाल के तो गार्लिक को अच्छे से कुक करना है यहाँ पे कुक करना मतलब रोस्ट करना है सॉटे करना है पर एकदम ब्राउन नहीं कर देना है लो फ्लेम पे इसे देख सकते हैं न इस तरह से कुक कर लेना और इसमें जो ऑयल डाला है ना वो भी हम चटनी में यूज कर लेंगे तो सब चीज़ें हो रही है रेडी तब तक हम ग्रीन चटनी बना लेंगे जैसे मैंने बोला था ना सैंडविच बनाना सोचा है तो यहाँ पे योगर्ट सॉल्ट ग्रीन चिली थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल पीस डाला है एक यहाँ पे ब्राउन शुगर और रोस्टेड ग्राम डाल दिया है अराउंड टू टू थ्री टू, टू, स्पून जितना लेमन जाएगा और साथ में जाएगा गार्लिक की पत्तिया वैसे गार्लिक बाहर मैचोर लास्ट सीजन का है ना वो मुझे निकालना है तो उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाल दूँगी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और धनिया की चटनी बेसिकली बना रही हूँ तो सैंडविच के लिए धनिया की चटनी तो चाहिए ही वैसे भी मुझे धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसकी पेस्ट बनाने के लिए समर का टाइम है ना तो फिर ये कलर इसका चेंज हो जाता है थोड़ी सी बिटरी भी हो जाती है तो क्या करना है इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दो तो कलर भी ग्रीन रहेगा और इसमें जो बिटरी जैसा फ़्लेवर आता है ना थोड़ा सा कड़वा जैसा लगता है वो भी कभी नहीं लगेगा और एकदम कलर परफेक्ट रहेगा तो इसे मैं जार में भर के फ्रिज में रख लूँगी बाहर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ना तो ऊपर का पार्ट है ना वो डल कलर का हो जाएगा तो अब बनाते हैं सेजवान फ्लेवर की चटनी मेरे तरीके से एकदम बेसिक सी बनाऊंगी बोल नहीं सकते कि सेजवान चटनी है पर मुझे इस तरह का फ्लेवर पसंद आता है जैसे मैंने एक छोटा सा बैच बीच में ट्राई किया था तो बहुत अच्छी लगी थी इसलिए सोचा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बैच भी बना लूँ और सबके साथ शेयर भी कर लूँ तो यहाँ पर मैंने डाला है चिली को यहाँ से निकाल लेंगे पानी में सेस में सीड्स डाल दिया है सो किया हुआ और इसमें जाएगा सॉल्ट थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा विनेगर तो टोटल मैंने टू टेबल स्पून डाला है विनेगर यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक टेबल स्पून जितना डाल दिया हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए और थोड़ा सा जीरा रोस्टेड थोड़ा सा हमें देसी टच भी चाहिए होता है ना तो फिर इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और इसको पहले मैं पेस्ट बनाऊँगी जो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पानी डाले बिना ही इसे मैंने पेस्ट बना ली थी ताकि थोड़ी सी बारीक हो जाए उसके बाद जिस पानी में हम लोगों ने सो किया था ना रेड चिली उसी के पानी को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे जितना जरूर पड़े ना उतना ही डालो बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डाल देना है और बीच में मैंने एक टेबल स्पून जितना और डाला था विनेगर और यहाँ पे वन एंड हाफ़ टेबल स्पून जितना डाला है ब्राउन शुगर और एक दो चम्मच एक दो स्कूप पानी और डाला था और अच्छे से स्मूथ सी पेस्ट बना ली आप इस स्टेज पे है ना सॉल्ट या ऐसी चीज़ें टेस्ट करके चेक कर लीजिए कुछ भी कम ज़्यादा लगे ना तो इस स्टेज पे आप डाल के मिक्स कर सकते हैं बस इसे कंटेनर में ग्लास के कुछ जार में टाइट एयर टाइट कंटेनर हो ना उसमें भर के फ्रिज में आप अराउंड एक वीक तक इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा Inside the plane in sky right now. He's flying. तो यहाँ पे हम वेदांत की बात बात कर रहे थे कि वो वीर को बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई अभी पहुंच गया कि नहीं कैलिफोर्निया एक्चुअली वेदांत बहुत सुबह सुबह गया था पर स्कूल में से कुछ काम था स्कूल वाले इसे उन लोगों को यहाँ ले गए वहाँ ले गए और उसके बाद आफ्टरनून के टाइम का इन लोगों का फ्लाइट था तो अभी पहुँचा नहीं है वही बात कर रहे थे हम लोग और आज सैंडविच बनी नहीं आज कुछ और ही प्लान हो गया चेंज हो गया है तो मैंने सैंडविच नहीं बनाई चटनी फ्रिज में स्टोर करके रख ली थी वैसे मैंने सोचा ही था कि कभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो ना कि मुझे ये बनाना है तब भी वो नहीं बनता तो एक दो दिन में मैं ज़रूर बना लूँगी क्योंकि मुझे सैंडविचेस ग्रिल की हुई बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे इवनिंग का टाइम है किचन का सब काम हो गया है तो मैं यहाँ पे पटेटो को प्लान करेंगे एक्चुअली एक बार पटेटो लाए थे ना तो क्या हुआ सभी पटेटो की स्किन के अंदर का पार्ट है ना जैसे स्किन निकालो ना तो ग्रीन कलर के दिख रही थी तो ऐसे पटेटो नहीं खाना चाहिए मैंने कहीं रेड किया था तो मैंने सब रहने दिए मैंने सोचा था उस टाइम पे ही कि इसके स्प्राउट्स आने दूँ इस तरह से निकलने लगे ना छोटे छोटे पत्ते तो उसके बाद मैं इसे ग्राउंड में डाल दूँगी और इसका मैं यूज़ कर लूँगी इससे बहुत अच्छे से पटेटो ग्रो हो जाएंगे तो एक्चुअली बहुत दिन हो गए ये करना सोच रही थी पर कर नहीं पा रही थी तो आज मेरे पास टाइम था ना तो मैंने इसे इस तरह से पॉट में डाल लिया इस तरह से बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे से पोटेटो ग्रो हो जाते हैं और इवनिंग टाइम में वेदर बहुत अच्छा रहता है ना बाहर तो कुछ एक्टिविटी करने का मन करता है इस तरह से मैं, मैं थोड़ा सा भी गार्डनिंग करूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है और मोस्टली घर में ही पूरा दिन जाता है ना तो बाहर इस तरह से सभी लाइक मेंटली आप फ्रेश हो जाओ फ्रेश एयर आपको मिले और कुछ क्रिएटिव किया कुछ घर के कामों से कुछ डिफरेंट किया ऐसा भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो मेरा यही है छोटा सा भी नन्ना मुन्ना सा भी कुछ भी मैं बैकयार्ड का काम एवरीडे मोस्टली कर ही लेती हूँ और यहाँ पे जासुड का जासमिन का जो हिबिस्कस बोलते हैं उसका जो प्लान स्लाई थी दो तो वो मैंने अभी तक पॉट में नहीं डाला था तो उसे भी डाल दूँगी पॉट में एक ऑरेंज कलर का है पीच कलर का और एक रेड कलर का है जो रेगुलर आता है वो एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़ा प्लान था इसका पर लास्ट तो लास्ट ईयर क्या हुआ ना टेम्परेचर थर्टीज के डाउन गया और बाहर रह गया था तो ओवरनाइट एक बार बाहर रह गया फिर वो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाया इसलिए इस बार मैं दो प्लांट्स ले आई थी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और आज है मेरी ओ, मेमोग्राफी स्क्रीनिंग की अपॉइंटमेंट उसी के लिए जा रहे हैं वीर अभी स्कूल में है और वेदांत कैलिफोर्निया पहुंच गया था यर्सडे ही और अराउंड टेन थर्टी का टाइम है और हम लोग निकले हैं वैसे मुझे है ना बहुत अंदर से टेंशन हो रही थी डॉक्टर के पास जाना है ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है तो मेरा प्रेशर तो कई बार इसी रीजन से ही ज़्यादा आ जाता होगा जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक में जाती हूँ ना कहीं और बार होता है ना अंदर से थोड़ी सी ऐसी होती है ना हमारी मेंटालिटी की डॉक्टर पे के पास जाएंगे कुछ रिपोर्ट आएगा और उसमें कुछ भी खराब हुआ कुछ भी ऐसा हुआ तो फिर हमें लग जाना पड़ेगा बार बार कुछ ना कुछ करवाना तो इसी मैं डर रही थी पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना फ्यूचर में कुछ ट्रबल ना हो उसके लिए स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग करवानी या फिर प्रिकॉजन के लिए रिपोर्ट करवाना पड़ता है उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे आप फोर्टी प्लस में जाओ तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको करवानी चाहिए अपनी फ्यूचर में कुछ ट्रबल ना हो उसके लिए वैसे मेरी फ्रेंड्स दो है उन लोगों के साथ मेरी दो दिन पहले ही बात हुई उन लोगों का ने करवाया है ये और सच बोलूँ ना तो दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस था ना तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डर गई थी कि आ, पता नहीं नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या होगा और डॉक्टर बहुत अच्छी थी जिसने स्क्रीनिंग किया अपॉइंटमेंट खत्म हो गई अराउंड टू आवर्स लग गए यहाँ पर और हम लोग जा रहे घर पर और और जो, जो जिसने स्क्रीनिंग किया ना उन उन्होंने बोला उस पर्सन ने बोला कि कई बार होता है ना पुराने कोई भी कुछ भी रिपोर्ट नहीं है आपके तो फिर ये रिपोर्ट फर्स्ट टाइम है ना तो फिर कुछ भी चीज़ नहीं जिसके साथ कंपेयर करके आप देख सको तो मे बी आपको फिर से बुलाए एक और स्क्रीनिंग करने के लिए तो आपको डरना नहीं है जिस चीज़ की मुझे था ना कि मुझे डर लग रहा था वही हुआ सेम तो खैर कुछ नहीं है वैसा कुछ ट्रबल है नहीं जो होएगा जो वो देखा जाएगा और यहाँ पे बहुत बड़ा ये मेडिकल वाला कॉम्प्लेक्स है सभी चीज़ें यहाँ पे आसानी से हो जाती हैं मेरे वीर का बर्थ भी इसी हॉस्पिटल के एक ब्रांच ही अलग वहाँ पे ही हुआ था तो वहाँ से निकल के हल्की सी शॉपिंग करके वैसे वीकेंड में कुछ शॉपिंग की नहीं थी मेनली ग्रेप्स लाना बाकी रह गया था और वीर को लंच में और स्नैक्स में दोनों में ग्रेप्स चाहिए ही तो ग्रेप्स के साथ साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ले आए कहीं भी हम लोग शॉपिंग करने जाएं एक चीज़ लेने के लिए जाओ ना तो फिर दो तीन साथ में आ ही जाती है ले, लेडीज़ लोगों का मोस्टली ऐसा होता है हस्बैंड को बो, बोलो ना तो वो जो चीज़ लेने गए ना वही लेके आएंगे तो कई बार तो मैं करती हूँ ना कि आप ही लेके आओ मैं जाऊँगी ना तो एक दो चीज़ एक्स्ट्रा आ ही जाएगी खैर तो ब्रेकफास्ट भी करके नहीं गए थे सुबह के टाइम मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी तो मैंने तो कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो यहाँ पे कुछ हेल्दी सा ब्रंच बनाऊँगी तो जुकी लाई और साथ में ब्रोकली भी लाई थी तो उसको अच्छे से वॉश करके चॉप कर लूँगी एक्चुअली यस्टरडे जैसे मैंने बोला था ना पहले सैंडविच का प्लान था पर नहीं बनाई तो उसकी जगह पे बनाया था और इडली तो एक बैच मैंने ज़्यादा ही बना लिया था मुझे पता था कि आज जाने जाने वाली हूँ सुबह मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा तो बना लो ताकि आके ब्रंच बना सकूँ और फिर उसके बाद मुझे वीर को भी लेने जाना है वीर को लेके कर आऊँगी उसके बाद उसके लिए कुछ खाना बनाऊँगी एकदम लाइट हल्का फुल्का सा तो यहाँ पे ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा अजवाइन डाल दिया है और साथ में जुखीनी अनियन और ब्रोकली हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के इसको हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे और बेसिकली मैं यहाँ पे इडली फ्राई बना रही हूँ पर जितना भी पॉसिबल हो उतना कम ऑयल और, और सॉल्ट में बनाऊँगी वैसे इसे मैं कल जो चटनी बनाई थी ना उसके साथ सर्व करूँगी इसी को सोच के मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स भी नहीं डाला और इडली भी बेटर भी हेल्दी वन था इसमें मैंने रागी थोड़ी सी डाली थी तो इसके भी इस तरह से बाइट साइज़ के क्यूब करके इसको यूज़ कर लेंगे और अभी मेरा पूरा मन था ना वो मेरे रिपोर्ट में क्या आएगा क्या आएगा उसी पे आ, आ, लगा हुआ था मुझे कुछ भी ऐसे एस ऐसे करने का मन नहीं कर रहा था जानने से पहले भी क्या हुआ ना कि मुझे जाना है जाना है जाना है वो सोच के कुछ नहीं किया आने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए हाफ एन आवर टू तो वन आवर लग जाएगा तो यहाँ पे वेजिटेबल्स रोस्ट हो गए हैं अच्छे से और साथ में मैंने मसाले भी निकाल लिए तो यहाँ पे एक मैं पाउडर यूज़ करूँगी इडली पाउडी जो मैंने घर पे ही बनाती हूँ मैं रेसिपी में शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी लगता है आप इडली में कुछ भी नहीं डालोगे सिर्फ उस पाउडर के साथ ही इस मसाले के साथ ही रोस्ट कर लोगे ना तभी बहुत टेस्टी लगेगा वैसे अभी मेरे पास एक छोटा सा जार भर के है वो फिनिश हो जाएगा ना तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी और ये बहुत अच्छा लगता है जब भी आपको इडली फ्राई बनाना हो या फिर डोसा के ऊपर भी इसे थोड़ा सा लगा लो ना तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए इतना यामी लगता है यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल दिया मैंने और ये इडली पाउडी है टू टू थ्री स्पून जितना डाल दिया और इसको आप घी के साथ खाओ ना ये रोस्ट करके तो बहुत यामी लगता है इडली पे तो मैं बहुत ज़्यादा घी या ऑयल यूज़ नहीं करूँगी तो हल्का सा वन फोर्थ टी स्पून जितना यहाँ पे घी डाल दिया मीडियम टू हाई फ्लेम पे एकदम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एकदम ड्राई ड्राई है ना ऑयल भी बहुत कम है तो हल्का हल्का सा मैंने पानी डाल दिया और अराउंड एक से दो मिनट लगे मुझे और हमारा हेल्दी सा टेस्टी सा यमी सा ब्रंच रेडी हो गया पहले मैंने सोचा था कि कुछ स्मूदी जैसा बना लूँ स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी ग्रो होने लगी है फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं इतना ही जितना ज़्यादा खाओगे जितना ज़्यादा बनाओगे ना उतना ही ज़्यादा खाना हो जाएगा तो फिर मैंने सोचा कल बनाई थी ना चटनी उसको साथ में सर्व कर लूँ तो इसके साथ एकदम चटपटा सा स्पाइसी सा यमी सी चटनी एकदम ब्यूटीफुल लग रही है ना कलर एकदम परफेक्ट है कल बनाया था फिर भी कलर अभी ऐसा का ऐसा ही है और फिर मैं वीर को लेने चली गई थी जैसे मैंने बोला था ना कि मैं आज ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली थोड़ा सा रिलैक्स ही जाएगा आज मेरा दिन तो फिर मैंने कुछ क्लीनिंग का ऐसा कुछ काम नहीं किया थोड़ा सा रिलैक्स किया थोड़ा वीर के साथ बैठ के एंजॉय भी किया मैंने कुछ सीरियल्स नहीं देखे थे तो बहुत दिनों से थोड़ा सा सीरियल्स भी एन्जॉय किया फटाफट से स्कीप करके एंड सीरियल्स तो आप लोग आजकल के ज़माने में इन्जॉय कर सकते हो वैसे मुझे सीरियल्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है मैं मूवी नहीं देखती मूवीज़ मैंने कितने साल हो गए टेन प्लस इयर्स हो गए मैंने मूवीज़ एक भी नहीं देखी थोड़ी बहुत भी देखी हो ना तो आधा घंटा बैठ के पूरी मूवी मैंने कितने सालों से देखी नहीं पर सीरियल्स का मेरा जो है ना वो ऐसा ही है मुझे मैं देखती हूँ मुझे अब पता होता है कि सीरियल्स में क्या चल रहा है वो टिपिकल होती है ना मैंटेलिटी सीरियल देखने की वैसे मेरी जनरेशन से ना वो सीरियल देख देख के बड़ी हुई है क्योंकि 90s में अर्ली नाइन्टीज में से सीरियल्स और ऐसी चीजें बहुत सारी आना शुरू हो गई थी जब से केबल आया था ना तब से तो यहाँ पे मैंने एवोकेटस दो आ, कट कर लिए हैं थोड़ा सा कोकोमली भी बनाऊंगी खाने के लिए डिनर में और सैंडविच की चटनी कल बनाई थी तो आज तो सैंडविच बनेगी ही तो हेल्दी वाली सैंडविच बनाऊंगी तो यहाँ पे उसी के लिए मैंने वेजिटेबल्स चॉप कर लिए हैं थोड़ा सा धनिया भी कट कर लिया है जो गोकोमअली में जाएगा और बारीक बारीक से यहाँ पे क्यूकम्बर को भी चॉप कर लूँगी कॉर्नस भी मैंने थोड़े से फ्रीजर में से निकाल के गर्म पानी में सोख करके रख दिए थे तो वो भी रेडी है हल्का सा अनियन भी जाएगा ग्रिल भी करूँगी और गोकोमली में यूज़ होगा ये जो बना रही हूँ ना वो और इंडिया से ना लास्ट ईयर इंडिया गए थे ना तो वहाँ से मैं टोस्टर टोस्टर सैंडविच मेकर लाई थी आ, गुगरा सैंडविच मेकर बोलते हैं गोगरा सैंडविच बनाने वाला वो लाई थी तो ऑलमोस्ट एक ईयर हो, हो गया वन ईयर होने आया है पर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया तो एक दो दिन पहले मैंने कुछ रील देखी थी उसमें मैंने गुगरा सैंडविच देखी मुझे याद आ गया कि मैं लाई थी पर मैंने यूज़ किया ही नहीं तो मैं आज उस उस तरह से गोगरा सैंडविच बनाऊँगी बहुत टेस्टी बनती है और इसके अंदर फिलिंग आप जितना भी भरो ना बहुत ज़्यादा फिलिंग रह जाता है ऐसा नहीं कि फ्लैट हो जाए अंदर का पार्ट बहुत ही बड़ा रहता है ना तो अंदर वेजिटेबल्स या जो भी आप फिलिंग डालो अच्छी खासी क्वान्टिटी में वो रख सकता है पॉकेट जैसा बन जाता है तो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने मिक्स कर ली और यहाँ पे हल्का सा सॉल्ट डाला सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी पेपर डाला और लेमन जूस डाल दिया थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी क्योंकि चटनी स्पाइसी वाली है ना तो बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी वैसे वीर के लिए मैंने बनाया था पुलाव आज उसे बिल्कुल भी नहीं खाने का मन कर रहा था सैंडविच वैसे भी बच्चे लोगों को मैं ट्राई करती हूँ कि जितने जितनी भी ब्रेड और ऐसी चीजें कम से कम खाए ना तो अच्छा है बच्चे लोग वैसे भी इनफ खा ही लेते हैं तो जब बच्चा बोले ना कि ब्रेड नहीं खानी है तो कभी भी नहीं देती हूँ मैं ब्रेड तो उसके लिए मुझे स्पेशली बनाना पड़ा पर मैंने बना लिया पुलाव और यहाँ पे सैंडविच के लिए मुझे थोड़े से टमेटो और अनियन के पीसेस भी चाहिए थे वही कर रही थी और साथ में गोकोमली और सैंडविच बस यही हमारा सिंपल सा हेल्दी सा टेस्टी सा और बिलीमी चटनी जो बनाई थी ना सैंडविच की वो बहुत ही यमी बनी थी थोड़ा सा यहाँ पे पनीर भी मैंने निकाल लिया सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स डाल के इसको भी साथ में डाल दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा भूख ना लगे कुछ भी प्रोटीन वाला पार्ट जाएगा ना तो इतनी जल्दी आप हंगरी नहीं होगी और अभी टाइम अराउंड फाइव फिफ्टी का ही सॉरी फाइव थर्टी का ही हुआ है और सोने तक हमें भूख नहीं लगनी चाहिए तो और चटनी का कलर देखिए एकदम परफेक्ट है ना अभी एकदम सही कलर रहा था बिल्कुल भी डल नहीं हुआ ग्रीन चटनी भी वैसी की वैसी ही है तो अराउंड ट्वेंटी फोर आवर्स के ऊपर हो गया है पर कलर एकदम वैसा का वैसा ही है तो आप बनाएंगे सैंडविच असेंबल करेंगे और अभी बनाते बनाते मुझे वेदांत की याद आ गई वो घर पर होता ना तो वो बहुत एंजॉय करके खाता है ऐसी चटपटी सी स्नैक्स वाली चीज़ें सैंडविच और ऐसी चीज़ें होती है ना वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो अच्छा खासा स्पाइसी खा भी लेता है पर वो भी अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं कैलिफोर्निया गया है अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में से गए हो ना तो उस टाइम की तो मजा की कुछ अलग होती है तो यहाँ पे मैंने चटनी दोनों लगा ली है साथ में थोड़े से चॉप वेजिटेबल्स भी डाल लिए हैं और यहाँ पे गोकोमली डालूंगी और यहाँ पे मिस्टेक मैंने क्या की थी यहाँ पे मुझे डालना था थोड़ा सा पनीर पर मैं वो भूल गई थी और सीधे वेजिटेबल्स ही लगा लिए फिर मैंने टॉप में थोड़ा सा पनीर डाल दिया और अच्छी खासी फीलिंग लगाई है ना तो ये सैंडविच मेकर है ना वो कुछ इस तरह का है इसमें मिडल वाला पार्ट है ना वो ऊपर वा ऊपर तक है आप अच्छे से इस तरह से जो भी ये फीलिंग रखोगे ना वो मिडल में आ जाएगी और ये स्प्रेड हो के बाहर नहीं निकल जाएगी वैसे मुझे पहले लगा था कि ब्रेड थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी पर इतनी बड़ी नहीं लगी इनफ इसमें आ गई और बनाना भी बहुत इजी है इस तरह से दोनों तरफ से टोस्ट कर लो अच्छे से रोस्ट कर लो क्रिस्पी कर लो आप अच्छे से बटर में टोस्ट करेंगे ना तो कलर बहुत अच्छा आएगा पर एज़ यूजल मुझे वेट लूज करने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला है हो नहीं रहा तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयल या बटर या घी नहीं डालूंगी पर हल्का हल्का सा कलर के लिए और फ्लेवर के लिए भी एकदम कम हल्का हल्का सा यहाँ पे स्प्रेड कर दूंगी दोनों तरफ और उसके बाद जो कलर आया ना एकदम सही आया तो एक्चुअली है ना जब मेरी कॉलेज में मैं कॉलेज में थी ना तो वहाँ पे इस तरह की सैंडविचेस बहुत ही खाई थी मैंने उस 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 एरिया में बहुत ही फेमस है ये गुगरा सैंडविच टाइप की पॉप्स और गुगरा सैंडविच यही हमारा होता था इज़ी कंफर्ट फूड तो बहुत सालों के बाद मैंने बनाया मुझे इतनी अच्छी लगी ना और यहाँ पे देखिए आप बीच का जो पार्ट है ना वहाँ पे अच्छे से फीलिंग्स बाहर निकल नहीं है और अच्छे से आप फीलिंग रख सकते हो और ये होल्ड भी कर रखेगी क्योंकि हल्का हल्का सा चीज भी डाला था मैंने एकदम लाइटली ताकि ये फीलिंग्स अंडर अंदर से स्टिक होती रहे अच्छे से और निकल नहीं आए

Yeah. Oh Am yeah. cool, I in school? Just, I just did my own homework. You made your own homework and you finished it? Yeah. Good job. तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे खाना पीना सब कुछ हो गया किचन भी मेरा क्लीन हो गया है और वीर को थोड़ा सा स्टडी का पूछ रहे थे वो बोल रहा था कि मैंने अपना ही होमवर्क बनाया यहाँ पे बच्चे लोगों को एलिमेंट्री स्कूल में इतना ज़्यादा कुछ होमवर्क होता नहीं है घर पे वो लोग जो भी करवाना हो वहाँ स्कूल में ही करवाते वही मैं उसे टीज कर रही थी कि अमेरिकन स्कूल में कुछ भी होमवर्क नहीं देते घर पर सिक्स और ट्वेंटी टाइम हुआ है किचन विचन सब क्लीन है और आज बाहर कुछ नहीं करने वाली आज बस रिलैक्सिंग डे जाने वाला है मेरा डिस वॉशर भी ऑलमोस्ट लोड हो गया और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी खत्म करते हैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर